दीपक भदौरिया। अद्दुवे टेपकांड मामले में एसआईटी के बुलावे पर मंगलवार को गंज थाने पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी बिना वॉइस सैंपल दिए ही लौट गए। जोगी थाने के अंदर नहीं गए और बाहर हंगामा होता रहा। उन्होंने पेन ड्राइव को फर्जी बताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को षड्यंत्रकारी बताया। काफी देर हंगामा चलता रहा। इसके बाद अमित जोगी गेट के बाहर से ही सरकार और जांच टीम को चुनौती देकर वापस चले गए। उन्होंने पेन ड्राइव को फर्जी बताते हुए उससे बनालों के खिलाफ दर्ज करने की मांग की। अमित जोगी ने कहा है कि एसआईटी का वॉइस सैंपल लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जांच पर सवाल उठाते हुए अमित ने कहा है कि जब्त पेन ड्राइव भी फर्जी है। अमित जोगी का आरोप है कि एसआईटी गठन करने और वॉइस सैंपल लेने का कोई आधार सरकार नहीं दे पा रही है। छत्तीसगढ़ में भारत के संविधान का और देश के कानून का राज कायम है, लेकिन लक्ष्मण रेखा के उस पार श्री भूपेश बघेल का राज चल रहा है, भारत के कानून का राज नहीं चल रहा है। इसका प्रमाण देने में आज आप सबके बीच यहाँ पर आया हूँ। आज अमित जोगी जी को एसआईटी के द्वारा वॉइस सैंपल देने के लिए बुलाया गया था, तो एसआईटी के सामने उपस्थित नहीं हुए, तो आगे जो है न्यायालय का शरण लेकर उनका वॉइस सैंपल लिया।